जारा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? रो रही हो तुम? देखो मुझे खुशी खुशी रुखसत करो, नेक्स्ट टाइम मुझे दूल्हा बनकर भी तो आना। अल्लाह के हवाले। फिर परेशान हो रही हो? क्यों हो रही हो तुम इतनी सुपरस्टिशियस? सब होते हैं दीन। नहीं, सब तो नहीं होते। अपनी अपनी मोहब्बत के लिए सब होते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते कि उन्हें खराश भी आए, बस डर लग रहा है। जारा, इसके लिए अम्मी काफी थी। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अम्मी मेरे लिए पढ़ती हैं, मैंने आपके लिए पढ़ दिया। मानी जान ने बहुत अजीब बातें की हैं। अम्मी कहती हैं बलाएं टलती हैं, मुसीबतें भाग जाती हैं और नजरें बद भी दूर होती हैं। तो फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। देव, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। अब रोला नहीं है? अब्बू से बात हुई है, मिलने आएगा उनसे। आता है तो आए, मैं कहीं नहीं जा रही। इसका फैसला तो तुम्हारे अब्बू करेंगे ना? क्यों? अब्बू क्यों करेंगे अम्मी? मेरे जिंदगी का फैसला अब्बू क्यों करेंगे? खुशकिस्मत हो, शुक्र करो अल्लाह का कि बाप बैठा है सर पे तुम्हारा फैलाया हुआ कचरा समेटने के लिए। अम्मी चलो आओ, खाना खाओ आके, मैं भी भूखी बैठी हूँ तुम्हारी वजह से। खटाड़ो पाटा। माही आप बैठे ना प्लीज, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आप सचमुच कहेंगी दिल भाई से कि वो सामने वालों के कैमरे चेक करें? क्यों, तुम नहीं चाहती ऐसा? मेरा पूरी बात करो, क्यों नहीं चाहती कि गली के कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक हो? उसका नाम आकिब है। किसका? किसका नाम आकिब है? मैं दरवाजे पर गई थी उससे मिलने। वाह, मुझे तो पहले ही शक था तुम पर। मैं दरवाजे पर गई थी उससे मिलने, पर वो वहां नहीं था। दरवाजा खोला मैंने तो वो डाकू घुस गए अंदर। उन लड़कों में था? डकैत था क्या वो? नहीं नहीं माही, वो नहीं था वहां पर। ओ, तो फिर ये वही लड़का है जिसके साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे? नहीं माही, वो तो मैं सड़क पर खड़ी थी तो बाइक। अच्छा अच्छा, बस अपनी बकवास बंद करो, ये झूठी बकवास कहानी में तुम्हारी बहुत बार सुन चुकी हूँ। आप प्लीज किसी को मत बताइएगा, अम्मी अब्बू को भी नहीं। नहीं बताऊंगी। और आप अदील भाई को मना करेंगी कि वो रिकॉर्डिंग ना देखे? वो तो मैं खुद देखूंगी। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता बेटा। खैर, आखिर साहब से कब मिलवा रही हूँ? आपको? था मुझे, जल्दी मिलवा देना वरना मैं नहीं मिलूंगी उससे, समझ रही हूँ ना? हाय अल्लाह, लूट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ ले गए डाकू। अल्लाह, ये सब उस मनोज लड़की की वजह से हुआ है। अम्मी 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 अम्मी, क्यों बिगाड़ रही है बातें? माही बेटा, माँ को इसके कमरे में ले जाओ,
लगता है सदमे से बिल्कुल होशो आवाज खो बैठी। ठीक कह रहे हैं, क्यों नहीं खोऊंगी होशो आवाज, आप देख नहीं रहे मेरा बड़ा पूरा घर लूट गया, बर्बाद हो गए हम लोग, पता नहीं सब कुछ समेट के ले गए वो, मेरा मेरी तिजोरी तो भरी हुई थी जेवरों से। अल्लाह फरीदा 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 खामोश हो जाओ। तुम ठीक हो ना? किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ठीक हूं मैं भाई। अच्छा ये बताओ ये सब कुछ हुआ कैसे? अबू मुझे लगता है मैं पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं बेटा मेरे ख्याल में इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अबू कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे ना तो इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा, फिर इस तरह आप लोग घरों में डकैतियां करेंगे। अच्छा अम्मी चलें प्लीज। बेटा मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो। तुम्हारी शादी सर पर है, परसों से रसूमात शुरू हो जाएंगी घर में, उस असना में अगर तुम और मैं थाने के चक्कर लगाते रहेंगे तो तुम्हारी शादी में रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं, और फिर बच्चियों को भी थाने जाना पड़ेगा और थाने के माहौल से तुम अच्छी तरह वाकिफ। उसके अलावा आए दिन पुलिस वाले घर का चक्कर लगाएंगे और तुम्हारी बच्चियों से तरह तरह के सवाल पूछेंगे। ऐसी मायूब बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बच्चियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सब वो ठीक। और बेटा तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, जो नुकसान होना था हो गया, पूरा भी हो जाएगा, अल्लाह कर देगा। बस तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। पर अब्बू वो लोग तो अम्मी की सारी ज्वेलरी ले गए हैं। अम्मी बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ के पास बहुत ज्वेलरी और भी है जो कि लॉकर में पड़ी हुई है बैंक में। फरीदा आदिल के साथ सुबह बैंक चली जाना, लॉकर में से निकलवा के ले आना, और इस बात का ध्यान रहे कि बहू को देने के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी भी उसमें उसकी फिक्र है आपको, मेरी कोई फिक्र नहीं है, उसमें कमी न रहे। फरीदा देख रही हो? हेलो साथ, क्यों फोन किया? अभी तक नाराज हो? मैं उन लोगों से नाराज नहीं होता जो मेरे लिए गैर हो। साथ आज मायूं है मेरा, क्या अपनी दोस्त को इस तरह से अकेला छोड़ दोगे?
साथ में बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, मिलने नहीं आओगे? अच्छा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ अब अपनी दोस्त को माफ तो कर ही सकते हो ना? गजरे ले आऊं तुम्हारे लिए? यस प्लीज, वो जो फैशन में है ना आजकल, वो वाले ले आऊंगा मैं। जल्दी आना, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। बाय बाय। आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज़।